हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्की व्लॉग्स। और दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ दिल्ली के हौस खास विलेज में। और मैं खड़ा हूँ इस टाइम दिल्ली के हौस खास फोर्ट में। मेरे पीछे आप ये दिल्ली का हौस खास फोर्ट देख सकते हैं। और ये जो फोर्ट है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था और काफ़ी पुराना ये बनाया गया है यहाँ पे। और इस पे यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं अलग अलग देखने वाली। यहाँ पे एक मदरसा है, इधर अगर आप जाएंगे तो एक छोटी सी मस्जिद भी आपको दिखेगी। और यहाँ पे क्या क्या खास देखने लायक है, यहाँ का पूरा इतिहास बताऊँगा। और आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं हौस खास फोर्ट। यहाँ पहुँचने के लिए दोस्तों, सबसे जो करीबी मेट्रो स्टेशन है वो है हौस खास। वहाँ उतरने के बाद आपको वहाँ से ऑटो रिक्शा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हौस खास फोर्ट की जो दूरी है वो 1 से 1.5 किलोमीटर की है। और ये ऑटो रिक्शा आपको जहाँ पे उतारेगा उसके सामने आपको दिख रहा होगा डियर पार्क का एक बोर्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हौस खास विलेज का पार्किंग एरिया है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा कार पार्किंग का एरिया है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी खुला एरिया है यहाँ पे कार पार्किंग दोस्तों। पार्किंग रेट की अगर हम बात करें तो 1 से 5 घंटे तक अगर आप यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं तो उसके आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद 20 रुपये पर घंटे के हिसाब से यहाँ पे चार्जेस लगते जाएंगे। और ये है हौस खास विलेज की गलियाँ। और ये देखिए, ये है सामने एंट्री गेट। और यहाँ जो एंट्री टिकट है उसके अगर हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों, इंडियन के लिए 20 रुपीज़ है और फॉरनर के लिए यहाँ पर 200 रुपीज़ चार्ज है। बाहर ही आपको देखिए हौस खास परिसर का ये एक बोर्ड दिख जाएगा जिसके ऊपर यहाँ पूरी डिटेल लिखी हुई है। और ये देखिए, ये है मेन एंट्री गेट। यहाँ से चलेंगे अंदर और अंदर जाके आपको यहाँ की पूरी डिटेल बताएंगे और पूरा अंदर का एरिया दिखाएंगे। अंदर एंटर करते ही दोस्तों आपको देखिए कुछ इस तरीके का व्यू दिखेगा, ये सामने आप देख सकते हैं। यहाँ की दोस्तों जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है। और ये देखिए, यहाँ पे ये 3 गुम्बद बने हुए हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं अभी। ये साइट मैप है, यहाँ पे कौन सी साइड में कौन सी चीज़ है वो सारी आप यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ भी हौस खास के बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है पत्थर के ऊपर। और दोस्तों, ये जो 3 गुम्बद है इसके बारे में यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, अगर आप इसको पूरा आराम से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस 3 गुम्बद वाली जो इमारत है इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि इस इमारत का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाता रहा होगा। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनके अंदर कब्रें होती थी, लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी नामोनिशान नहीं मिलेगा जिससे आप ये कह सकें कि यहाँ पे कभी कब्र हुआ करती थी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो है ये मुलाकात स्थल या सभागार रहा होगा जिसकी योजना बड़े समूह को ध्यान में रखकर बनाई होगी, ताकि यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा होकर बातचीत कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। अंदर आप देखेंगे काफ़ी अच्छी वास्तुकला आपको देखने को मिलेगी। ये ऊपर गुम्बद आप देख सकते हैं अंदर से। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे पिलर बनाए गए हैं, एक के ऊपर एक पत्थर रखने के बाद उसको किस तरीके से जोड़ा गया है आप अच्छे से देख सकते हैं अंदर से। और यहाँ दोस्तों बहुत से लोग आजकल फोटोग्राफी के लिए भी आते हैं, और प्री वेडिंग शूट के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इनको और नज़दीक से देखते हैं। ये आप ऊपर देख सकते हैं क्या बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। ये बाहर से आप देखिए दोस्तों, यहाँ की लोकेशन कितनी अच्छी है। ये आप देख सकते हैं, इन 3 गुम्बद के बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो आपको वो बहुत बड़ा तालाब दिखाई देगा जिसको पहले हौज़ इलाही के नाम से जाना जाता था, जिसे आज हौस खास के नाम से लोग जानते हैं। और दोस्तों, इस साइड जब आप आएँगे तो आपको यहाँ पर एक मस्जिद भी दिखाई देगी। ये देखिए, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और इसके पीछे है ये बहुत पुरानी इमारत, ये थी वो मस्जिद। ये आप सामने देख सकते हैं, ऊपर छोटा सा गुम्बद बनाया गया है। और ये है इसका गेट जो कि अब बंद है, अंदर जाना मना है। ये देखिए, इस साइड तक पूरी ये मस्जिद हुआ करती थी, ये आप अंदर से देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है जो कि अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है,
पहले यहाँ से आप नीचे जाके नीचे भी देख सकते थे, लेकिन अब सिक्योरिटी पर्पस से इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऊपर से ही आपको ये देखना पड़ेगा, इस साइड आप देख सकते हैं पूरे नीचे का हिस्सा। और यहाँ की लोकेशन बहुत ही अच्छी है, इसी वजह से आपने इस लोकेशन को कई फिल्म के अंदर भी देखा होगा, बहुत सारी बॉलीवुड मूवी की यहाँ पे शूटिंग हो चुकी है। अगर आप किसी शांत जगह में समय व्यतीत करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और अच्छी जगह है ये, आप यहाँ पे आके कुछ टाइम यहाँ पे गुजार सकते हैं। और दोस्तों इस साइड देखिए, ये जो किला है ये काफ़ी आगे तक फैला हुआ है। ये किला जो एल शेप में बनाया गया था, और ये देखिए ये है मदरसा, यहाँ से मदरसा स्टार्ट होता है और आगे तक पूरा एल शेप में बना हुआ है। तो ये देखिए मदरसा आप बाहर से देख सकते हैं, इस तरीके से बनाया गया है। और ये जो मदरसा था, यहाँ पे उच्च शिक्षा दी जाती थी और छात्र दूर दूर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आया करते थे। अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब आप आएंगे तो अंदर आपको छोटे छोटे ऐसे कमरे भी बने हुए दिखाई देंगे जो कि उनके रहने के लिए बनाए गए थे। ये देखिए अंदर आप देख सकते हैं, इस साइड भी कमरे आपको दिख रहे होंगे अंदर। अंदर से हालत अब काफी खराब हो चुकी है इसकी, छत आप देख सकते हैं ऊपर से। ये है मदरसे का दूसरा साइड, इस साइड भी आप देखें, यहां से चलते हैं अंदर। ये देखिए बाहर की साइड भी एक कुछ खाली एरिया है। दोस्तों दूर दूर से छात्र यहाँ पे पढ़ने के लिए आया करते थे, क्योंकि यहाँ की जो लोकेशन है बहुत ही अच्छी है और खूबसूरत है। आप देख सकते हैं ये सारी की सारी जो जगह है, यहाँ पे छात्र पढ़ा करते थे। और यहाँ से जब आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको सामने वो तालाब वाला एरिया दिखेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं सामने आपको वो झील दिख रही होगी। और यहाँ पे काफी ग्रीनरी आपको दिखेगी, ये देखिए ये सारा का सारा है हौस खास फोर्ट, और वो सामने बहुत बड़ा तालाब। इस फोर्ट के आसपास बहुत सारे कॉलेज भी हैं, जिस वजह से यहाँ पे कपल्स काफ़ी घूमने के लिए आते रहते हैं। तो कपल्स के लिए काफ़ी बेस्ट जगह है घूमने के लिए, दिल्ली में भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में एक शांत जगह है। तो अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। और ये सामने है दोस्तों फिरोजशाह तुगलक और उसके बेटों का मकबरा, यहाँ पे ये भी बना हुआ है। और यहाँ तो इस फोर्ट के बिल्कुल पास में ही है डियर पार्क हौस खास, ये देखिए ये है उसका मेन एंट्री गेट। यहाँ से चलते हैं अंदर और आपको ये डियर पार्क दिखाते हैं, यहाँ भी लोग घूमने के लिए आते हैं। और वो जो हौस खास की झील थी, वो जो तालाब मैंने आपको दिखाया था, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको इसके अंदर से ही जाना पड़ेगा, वहाँ तक जाने का रास्ता भी इसके अंदर से ही है। ये देखिए यहाँ पे एक हट बना हुआ है बैठने के लिए, इसके अंदर सिटिंग एरिया है। और यहाँ से देखिए ये जो रास्ता अंदर जा रहा है, ये सीधा वहाँ तालाब तक पहुँचता है, ये आप देख सकते हैं। और इस पार्क के अंदर आपको ओपन एयर जिम भी दिखेगा, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ से चलते हैं दोस्तों आगे और आपको दिखाते हैं हौस खास का वो तालाब, ये देखिए हौस खास तालाब, और यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है। दोस्तों इस तालाब का निर्माण बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1296 से लेकर 1316 के बीच करवाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक शहर बसाया था जिसका नाम था सिरी, जिसको उसने अपनी राजधानी बनाया था। और इस राजधानी में पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस बड़े तालाब का निर्माण करवाया।
तो दोस्तों कुछ टाइम के बाद अलाउद्दीन के जाने के बाद रख रखाव के अभाव में तालाब की ओर जाने वाली जितनी भी नहरें थी उनमें गाद भर गई और ये पूरी तरह से सूख गई। लेकिन कुछ टाइम बाद सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में 1351 से लेकर 88 के दौरान इस तालाब का दोबारा से निर्माण करवाया गया और इसको दोबारा से शुरू किया गया। उसके बाद इसका नाम हौज़े इलाही से बदलकर हौज खास रख दिया गया। दोस्तों ये जो बड़ा तालाब है ये अगर एरिया की बात करें तो 123 एकड़ में ये फैला हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बतखें आपको देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। देखिए तालाब के किनारे से अगर आप इस फोर्ट को देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। हाँ तो दोस्तों मैंने पूरी हौज खास की आपको वीडियो दिखा दी है, इसमें पूरी आपको डिटेल यहाँ की बता दी है। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत झील भी थी और दिल्ली में बहुत ही शांत जगह है ये, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो एक बार अवश्य आ सकते हैं। और यहाँ पे कपल काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों और यहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी करते हैं लोग। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी जितनी अलग अलग जगह की वीडियो आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।